अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में जस्ट बच्चों आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तालियां। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशन फील्ड हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। सिर्फ आपने यहाँ पे पहाड़ टाना है ना, तो चैप्टर नंबर 5 को जस्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन में करना है बस। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सोलर हाउसिंग हीटिंग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में है। सोलर सेल्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, याद रख लें, याद कर लें, अपने माइंड में बैठा लें कि सर अकील ने मैथ की दुनिया वाले ने बताया था कि सोलर हाउस हीटिंग और सोलर एनर्जी बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस में है, लॉन्ग क्वेश्चन में। ये देख लें, अपनी प्यारी आंखों से देखें, अपनी खुली आंखों से देखें, अपनी मोटे डेलों से देखें, जिससे मर्जी देखें, ग्लासेस लगाकर देखें, ग्लासेस उतार कर देखें, आंखें धोकर देखें, मुंह हाथ धोकर देखें। सोलर हाउसिंग हीटिंग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें और अगर हम आइंस्टाइन की बात ना करें, क्योंकि सारे फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर इनको कोई इक्वेशन नहीं आ रही होती, अगर इनको कोई फार्मूला नहीं आ रहा होता तो वो आइंस्टाइन अपने आप को समझ लेते हैं और अपने आप से ही आइंस्टाइन में कोई फार्मूला आगाज करते हैं जिससे आपके एग्जाम्स में बहुत गंदे नंबर आते हैं। याद रखें मास एनर्जी इक्वेशन आपके पास ए इज इक्वल टू एम सी की स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ये आपके अपने घर वालों की इक्वेशन नहीं है, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी की इक्वेशन क्या है, ई इज इक्वल टू एम सी की स्क्वायर। लाइट एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, न्यूक्लियर एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में है। मैं खपटा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, यही लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे। जब आपके एग्जाम्स होने हैं फिर आपने सर पकड़ के बैठ जाना कि शायद इधर उधर से कोई चीटिंग करने का मौका मिल जाए या कहीं से हम कोई बूटी अरेंजमेंट हो जाए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। जो जो मैं आपको निशान लगा रहा हूं, क्यों नहीं मेरे साथ निशान लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे? अगर मैंने देख लिया किसी की बुक में निशान नहीं लगे हुए तो मैंने आप लोगों से ये बुक ही छीन ले लिया और आपकी ये बुक सेकंड हैंड फरोख्त कर देनी है। वीडियो बच्चों थोड़ी सी लेंथी है, मेरी प्यारी शहजादियों और मेरे प्यारे शहजादों, इस वीडियो के दौरान आपने अपना व्हाट्सएप, टिकटॉक, लाइकी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी अपने पास नहीं रखना। आपने अपने पास कौन सी चीज रखनी है, ब्लैक कॉफी रख लें, गोल्ड कॉफी रख लें, सिल्वर कॉफी रख लें, खाने पीने की कोई अशिया रख लें, चाय अपने पास रख लें, दूध अपने पास रख लें, ग्रीन टी अपने पास रख लें। अगर एक मोबाइल है तो दूसरा मोबाइल अपने पास नहीं रखना। अगर हम बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो आपके पास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का एक पेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट बच्चों चैप्टर नंबर 6 का कोई थ्रेटिकल पोर्शन आएगा, 4 का न्यूमेरिकल प्लस उसकी एग्जांपल आ सकती है। आपने जस्ट चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के जस्ट आपने न्यूमेरिकल करने हैं और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 का थ्रेटिकल पोर्शन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाक सर जमीन ईश्वरे हसीन शादबाद, मरकजे यकीन शादबाद। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना वो होगा हमारे पास क्लास 9th फिजिक्स। फिजिक्स में यार बहुत से स्टूडेंट्स को पहले ये नहीं पता कि उनकी पेयरिंग स्कीम क्या है। पेयरिंग स्कीम है बच्चों आपके पास फॉर क्लास 9th फिजिक्स। ये जो पेयरिंग स्कीम है पंजाब के तमाम बोर्ड, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, डेरे गाजीगंज, सरगोधा, रावलपिंडी, बहावरपुर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आपके पास फिजिक्स के जो टोटल मार्क्स है ना बच्चों वो 60 मार्क्स है। आपके पास 12 मार्क्स के बच्चों आपके पास एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 18 मार्क्स के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो आपके पास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का एक पेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट बच्चों चैप्टर नंबर 6 का कोई थ्रेटिकल पोर्शन आएगा, 4 का न्यूमेरिकल प्लस उसकी एग्जांपल आ सकती है। आपने जस्ट चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के जस्ट आपने न्यूमेरिकल करने हैं और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 का थ्रेटिकल पोर्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों 7 वाले चैप्टर से थ्रेटिकल आएगा और 8 वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपको किस किस चैप्टर से कितने कितने आएंगे, किस चैप्टर से हमें शॉर्ट क्वेश्चंस करने की जरूरत है, किस चैप्टर से हमें लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 1 से बच्चों जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर नंबर 1 का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। बच्चों जस्ट चैप्टर नंबर 1 से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर
1 से आपने प्रिपेयर नहीं करना। अब मैं जो जो आपको निशान लगवाता जाऊं, आपने चुप करके वो निशान लगाते जाना। वीडियो बच्चों थोड़ी सी लेंथी है, मेरी प्यारी शहजादियों और मेरे प्यारे शहजादों, इस वीडियो के दौरान आपने अपना व्हाट्सएप, टिकटॉक, लाइकी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी अपने पास नहीं रखना। आपने अपने पास कौन सी चीज रखनी है, ब्लैक कॉफी रख लें, गोल्ड कॉफी रख लें, सिल्वर कॉफी रख लें, खाने पीने की कोई अशिया रख लें, चाय अपने पास रख लें, दूध अपने पास रख लें, ग्रीन टी अपने पास रख लें। अगर एक मोबाइल है तो दूसरा मोबाइल अपने पास नहीं रखना। अगर हम चैप्टर नंबर 1 के इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों आपके पास इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास जहां जहां मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना वो आप अपनी बुक पे निशान लगाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, हमारे पास इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। हाय 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 हाय, नेक्स्ट पेज नंबर है बच्चों आपके पास 5 क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपके पास, डिफाइन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज विद एग्जांपल। ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे लाजमी एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। डिफाइन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। प्रीफिक्सेस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, 1 मार्क्स की और 1 नंबर का बच्चों आपके पास इसकी एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स की बच्चों उसकी एग्जाम्पल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर कैलिपर्स बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, इसका आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये, व्हाट इज 1 ईयर कॉन्स्टेंट, राइट द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कॉन्स्टेंट, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। 2 केज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। पिच ऑफ स्क्रू केज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। डिफाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चों आपके पास हर चैप्टर के लास्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है ना, जिस पे मैंने टिक मार्क किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एस्टीमेट योर एज इन सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज मीन बाय 1 ईयर कांस्टेंट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद बच्चों सबसे जो ज्यादा पूरे चैप्टर की अगर मैं जान कहूं ना तो वो बच्चों इस समरी में है। अगर आप बच्चों लाइक है तो समरी करें, अगर आप बच्चों मेरी तरह नालायक है तो भी समरी करें, ठीक है। समरी में बच्चों आपके पास सारा कुछ मिल जाएगा, फिजिक्स की डेफिनेशन मिल जाएगी, फिजिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन मिल जाएगी, ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन मिल जाएगी, प्रीफिक्सेस मिल जाएगा, 1 ईयर कांस्टेंट मिल जाएगा, 1 ईयर कैलिपर्स मिल जाएगा, स्क्रू केज मिल जाएगा, फिजिकल बैलेंस ऑफ वॉच, इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने इस बुक का, इस चैप्टर नंबर 1 का खुलासा देखना है तो बच्चों इसमें आपने सारी की सारी डेफिनेशन जितनी भी है लाजमी आप रीड आउट करके जाएं। अगर हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज के गेस्ट पेपर्स की बात करें ना तो बच्चों आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स, व्हाट इज मीन बाय प्रीफिक्सेस, राइट एन एग्जांपल, डिफाइन फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, व्हाट इज मीन बाय 1 ईयर कांस्टेंट, बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एस्टिमेट योर एज इन सेकंड इफ यू आर इन 15 ईयर ओल्डेस्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के 1-15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 1 के नहीं करके जाने। अगर मुसद्दिक के बच्चों 60 out of 60 मार्क्स आए हैं, असद के बच्चों 60 out of 60 मार्क्स आए हैं, उन्होंने हमारे गेस्ट पेपर से ही प्रिपरेशन की थी और स्पेयरिंग स्कीम को बच्चों फॉलो किया था जिसकी बेस पर उनके 60 out of 60 मार्क्स आए हैं फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 2 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आना है थ्योरेटिकल की सेंस में, ठीक है, थ्योरी वाला क्वेश्चन आना है लॉन्ग क्वेश्चन में, और 3 बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इसके जो लास्ट पे क्वेश्चंस गिवन है ना, इसके जो लास्ट पे क्वेश्चंस गिवन है इसको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों डिफाइन काइनेमेटिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन एंड गिव 1 एग्जांपल बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, ये याद रखें। मैंने उसका शॉर्ट क्वेश्चंस का निशान भी लगाया हुआ है, बैक शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा 2.3 पार्ट नंबर 1, ये मैंने ऊपर साथ मेंशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव इस टाइप्स, बैक शॉर्ट क्वेश्चन है 2.2, याद रखें टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में, याद रखें चैप्टर नंबर 2 बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आना है, और टाइप्स ऑफ मोशन भी बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। लीनियर मोशन बच्चों बैक शॉर्ट क्वेश्चन 2.35 वाला है, सर्कुलर मोशन बैक शॉर्ट क्वेश्चन 2.3
पार्ट नंबर टू शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर बैक शॉर्ट क्वेश्चन 2.3 पार्ट नंबर 6 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में। हाउ वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। स्पीड एंड वेलोसिटी बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एग्जांपल 2.2 बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड इट्स राइट फार्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास डिक्लेरेशन और डिडाडेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एग्जांपल 2.4 हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। सुभान अल्लाह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें ना तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में। हाय सुभान अल्लाह। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में। लास्ट में बच्चों हमारे पास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो बोर्ड एग्जाम्स में सस्पेंस डालता है तो बच्चों ये वाला छोटा सा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। बैक शॉर्ट क्वेश्चन की तो बच्चों हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समरीज के जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेटरी मोशन है स्केलर वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट है स्पीड है एवरेज स्पीड है एवरेज वेलोसिटी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। समरी को लाजमी आपने अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है ताकि इसमें से भी कोई एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सके और एग्जाम्स में 60 out of 60 मार्क्स गेन कर सके। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना तो आप अपनी स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन है स्पीड एंड वेलोसिटी है टाइप्स ऑफ मोशन है वाइब्रेटरी मोशन है रेस्ट एंड मोशन है सर्कुलर बिटवीन सर्कुलर मोशन रोटेटरी मोशन लीनियर एंड सर्कुलर मोशन ये हमारे पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जस्ट आपने हमने आपको गेस्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं ना जस्ट बच्चों आपने वही करके जाने इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इन्हीं में से एमसीक्यूज आएगा जो हमने आपको एमसीक्यूज दिखाए हैं इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एग्जाम 2022 में बच्चों जो हमने एग्जाम्स में बच्चों को गेस्ट पेपर दिए थे अल्लाह को कम से पूरे नंबर उनके आए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे इसका मैं आपको भी प्रूफ भी दिखा देता हूं कि जो हमने गेस्ट पेपर में दिया था वही पूरा पेपर वही आया है। चैप्टर नंबर 1 में से है डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड गिव टू एग्जांपल व्हाट इज प्रीफिक्सेस राइट एन एग्जांपल। चैप्टर नंबर 1 में से है व्हाट इज मीन्ड बाय बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स डिफाइन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। चैप्टर नंबर 2 में से डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। चैप्टर नंबर 3 में से है डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। चैप्टर नंबर 3 में से है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट राइट टू डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफाइन टॉर्क एंड मोमेंटम डिफाइन टॉर्क डिस्क्राइब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड जी की जो वैल्यू है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्यों होती है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस डिफाइन वर्क एंड एसआई यूनिट डिफाइन वर्क एंड एसआई यूनिट डिफाइन बायोमास इज बायोमास इज मीन्ड बाय पावर एंड वॉट डिफाइन पावर वॉट। हमने अटेम्प्ट कितने करने थे हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स फॉर्मूला डिफाइन प्रेशर डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट प्ले इन ग्लासेस व्हाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन ग्लास व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट राइट टू यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर व्हाई आर द मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट। 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉन्ग हमारे पास आया चैप्टर नंबर 2 में से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए हमने आपको गैस पेपर में बता दिया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी ड्राइव इट्स इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है बच्चों हमने कितने अटेम्प्ट करने थे सिर्फ हमने यहां से 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। उम्मीद है आप में से जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गैस पेपर बाय किए होंगे इंशाल्लाह उनके 60 out of 60 मार्क्स करके आए होंगे। अल्लाह को कम से जिन स्टूडेंट्स ने बच्चों हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की थी आप उनके नंबर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 503 मार्क्स है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की थी उर्दू में कितने नंबर है 75 out of 75 इंग्लिश में 75 इस्लामियाती में से 50 मार्क्स है पाक स्टडी में 50 में से 50 मार्क्स मैथमेटिक्स में 75 में से 75 मार्क्स है फिजिक्स में 60 में से 60 केमिस्ट्री में 60 में से 59 मार्क्स बायोलॉजी में 60 में से 59 मार्क्स है। आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कोई फेक नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के आप रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो टोटल मार्क्स बच्चों कितने आए हैं 494। थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं कि 505 में से बच्चों 472 मार्क्स आए हैं
जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर उनका रिजल्ट देख भी सकते हैं। 503 मार्क्स गेन किए हैं, 5472 मार्क्स गेन किए हैं, 494 मार्क्स गेन किए हैं। रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर तीनों का देख सकते हैं। अगर आप 9th साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और आपको ऑल सब्जेक्ट्स गेस्ट पेपर 2023 चाहिए, जिसमें बच्चों आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ साइंस है, कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है एग्जाम 2023 के लिए, पाक स्टडी न्यू बुक है एग्जाम 2023 के लिए, तर्जमतुल कुरान न्यू बुक एग्जाम 2023 के लिए, इस्लामियात कंपल्सरी की न्यू बुक आई है एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है, इंग्लिश है, उर्दू है। अपने घर अगर आपने तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मंगवाने हैं, अभी अपने घर मंगवाए और इम्तिहान में 525 प्लस मार्क्स गेन करें, गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं, इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 मार्क्स इफ यू प्रिपेयर और गेस्ट पेपर। गारंटी इस बात की हम आपको दे रहे हैं कि 100% आपके 525 प्लस मार्क्स गेन कर सकती हैं अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं। सिर्फ इनकी जो प्राइस है बच्चों है 1500 रुपीज, इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है, इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है 1500 रुपीज है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस, फ्री होम डिलीवरी है। पेमेंट जो आपने देनी है कैश ऑन डिलीवरी पर देनी है, हम पहले पेमेंट रिसीव नहीं करते। अगर आपने इन सारे गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज TCS वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको आपके घर देकर जाएंगे, ठीक है। पहले पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट बाद में करनी है, कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट करनी है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, फ्री होम डिलीवरी है, 1500 इनकी प्राइस है। इन सारे गेस्ट पेपर से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2023। यहां पर बच्चों में अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, BCPM साइंस चैनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चूना लगाता है। मैंने 10th क्लास के बाय किए हैं, मैंने 11th क्लास के बाय किए हैं, मैंने 9th क्लास के बाय किए हैं, मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के बाय किए हैं, ठीक है। मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बाय किए हैं 6000 रुपए के, ठीक है। तमाम के तमाम फेक ओल्ड बुक्स के गेस्ट पेपर हैं, जैसे मैंने आपको प्रूफ दिखाया, मैंने आपको अभी प्रूफ दिखाया ना, पूरा पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया। आप कोई भी स्टूडेंट जिस मर्जी चैनल से मंगवाओ, अगर आप BCPM साइंस चैनल से मंगवाते हो, उनको पहले कहो कि हमें MCQs भी प्रोवाइड करें, हमें MCQs भी प्रोवाइड करें, और आपके गेस्ट पेपर में से क्या क्या आया बोर्ड में, हमें उसका भी प्रूफ दिखाएं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 न्यूमेरिकल, प्लस उसकी एग्जाम्पल्स भी लाजमी आपने करके जाना है। डिफाइन डायनामिक्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट्स हमारे पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इनर्शिया बच्चों हमारे पास वेरी वेरी बैक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। मोमेंटम एंड इट्स इक्वेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर वो न्यूमेरिकल नहीं देगा मे बी वो आपको थ्योरेटिकल दे सकता है। एग्जांपल 3.1 बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन में है। मास एंड वेट बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर हम चैप्टर नंबर 3 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, जो आपके पास वर्टिकल मोशन है ना, ये जो आपके पास मैथमेटिकल पोर्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। एंड मोमेंटम बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। सेंट्रीपेटल फोर्स बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एंड राइट इट्स इक्वेशन आपने लाजमी याद करके जाना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसके बाद बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास, मैं पहले हर चैप्टर में बता रहा हूं कि समरी लाजमी आपने करके जाना है। फोर्स है, एनर्जी ऑफ बॉडी है, मोमेंटम है, फ्रिक्शन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, मास ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 के गेस्ट पेपर्स की बात करें तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर MCQs भी देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 3 के बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आप शॉर्ट क्वेश्चन भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा पेपर
इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से आएगा। चैप्टर नंबर फोर की अगर हम बच्चों बात करें तो चैप्टर नंबर फोर से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन आना है और उसकी आपने एग्जाम्पल्स लाजमी करके जानी है। याद रखें कि आपने चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर फोर के न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से करके जाने हैं जो पेनिंग स्कीम में आपको बता रहा है। अगर वो सस्पेंस डालेगा न्यूमेरिकल की जगह थ्योरेटिकल दे देगा लेकिन ज्यादा चांस है कि आपको न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर अगर हम फोर की बात करें तो चैप्टर नंबर फोर में पैरेलल फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। टू टेल रूल की बच्चों जो डेफिनेशन आप समरी से कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। टॉर्क हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम आर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्लॉकवाइज मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। सेंटर ऑफ मास हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमारे पास डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर हम बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में एंड आल्सो इन लॉन्ग क्वेश्चन। समरी को भी बच्चों आपने लाजमी करके जाना है। पैरेलल फोर्सेस एंड लाइक पैरेलल फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन बेशक आप यहां से कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में है। जिसने 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स गेन करने हैं ना बच्चों वो हमारे गेस्ट पेपर बाय करें। इंशाल्लाह ताला आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगी, एग्जांपल्स भी मिलेंगे, सारा कुछ आपको बच्चों चैप्टर नंबर फोर ईच एंड एवरीथिंग हमारे गेस्ट पेपर से आपको मिल जाएगा जिससे आप बच्चों 525 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर फाइव की बात करें तो चैप्टर नंबर फाइव में जस्ट बच्चों आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तालियां। यूनिट नंबर फाइव ग्रेविटेशन बच्चों जस्ट आपने मेरी प्यारी शहजादियों और मेरे प्यारे शहजादों जो किसी काम के नहीं हो जस्ट आपने चैप्टर नंबर फाइव से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन का किस्सा मुख्तसिर करना है। अगर हम चैप्टर नंबर फाइव के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट आपने चैप्टर नंबर फाइव सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशन फील्ड हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। सिर्फ आपने यहां पे पहाड़ टाना है ना तो चैप्टर नंबर फाइव को जस्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। बस मास ऑफ द अर्थ जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में करना है, लॉन्ग क्वेश्चन का पंगा नहीं लेना चैप्टर नंबर फाइव में से। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट बच्चों हमारे पास मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर फाइव से जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन जिस जिसने किया ना मैंने उसके घर आके ना आपके घर में जितना भी राशन होगा ना मैंने वो उठा के लेके जाना है। बाद में ना कहना कि हमारे घर में डकैती हो गई है और जो चीजें आपके घर में पकी भी होंगी ना मैंने वो भी उठा के लेके जानी है जिसने चैप्टर नंबर फाइव के लॉन्ग करने हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। हाय 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 इसकी समरी पे है, मुन्नी सी छोटी सी पिद्दी सी समरी है, समरी में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने थे ना मैंने दिए बता, अब करना ना या करना आपकी मर्जी है। अगर आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो जो जो मैंने आपको काम बताया वो काम आप दिल से करें, इंशाल्लाह ताला आप एग्जाम्स में 525 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे गेस्ट पेपर बाय करें, गेस्ट पेपर में मेरी प्यारी शहजादी हो आपको मिलेंगे एमसीक्यूज़, मेरे प्यारे शहजादों आपको मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। मेल्स फीमेल्स बॉयज एंड गर्ल्स लेडीज एंड जेंटलमैन आपको गेस्ट पेपर फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिलेंगे, बायोलॉजी कंप्यूटर, इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के बच्चों आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। और अल्लाह को कम से जिन जिन स्टूडेंट्स ने बच्चों हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की थी आप उनके नंबर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 503 मार्क्स है जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की थी। उर्दू में कितने नंबर है, 75 आउट ऑफ 75, इंग्लिश में 75, इस्लामी आती में से 50 मार्क्स है, पाक स्टडी में 50 में से 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 75 में से 75 मार्क्स है, फिजिक्स में 60 में से 60, केमिस्ट्री में 60 में से 59 मार्क्स, बायोलॉजी में 60 में से 59 मार्क्स है। आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई फेक नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के आप रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टोटल मार्क्स बच्चों कितने आए हैं, 494। थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं कि 505 में से बच्चों 472 मार्क्स आए हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर उनका रिजल्ट देख भी सकते हैं। 503 मार्क्स गेन किए हैं, 472 मार्क्स गेन किए हैं, 494 मार्क्स गेन किए हैं। रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर तीनों का देख सकते हैं। अगर आप नाइन्थ साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और आपको ऑल सब्जेक्ट्स गेस्ट पेपर 2023 चाहिए जिसमें बच्चों आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ साइंस है,
कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है एग्जाम 2023 के लिए, पाक स्टडी न्यू बुक है एग्जाम 2023 के लिए, तर्जमतुल कुरान न्यू बुक एग्जाम 2023 के लिए, इस्लामियात कंपल्सरी की न्यू बुक आई है एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है, इंग्लिश है उर्दू है। अपने घर अगर आपने तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मंगवाने हैं, अभी अपने घर मंगवाए और इम्तिहान में 525 प्लस मार्क्स गेन करे, गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 मार्क्स इफ यू प्रिपेयर और गेस्ट पेपर। गारंटी इस बात की हम आपको दे रहे हैं कि 100% आपके 525 प्लस मार्क्स गेन कर सकती हैं अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं। सिर्फ इनकी जो प्राइस है बच्चों है 1500 रुपीज, इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है, इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है 1500 रुपीज है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस, फ्री होम डिलीवरी है। पेमेंट जो आपने देनी है कैश ऑन डिलीवरी पर देनी है, हम पहले पेमेंट रिसीव नहीं करते। अगर आपने इन सारे गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 03234516277 पर कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज TCS वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको आपके घर देकर जाएंगे, ठीक है। पहले पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट बाद में करनी है, कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट करनी है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, फ्री होम डिलीवरी है, 1500 इनकी प्राइस है। इन सारे गेस्ट पेपर से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2023। यहां पर बच्चों में अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, BCPM साइंस चैनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चूना लगाता है। मैंने 10th क्लास के बाय की हैं, मैंने 11th क्लास के बाय की हैं, मैंने 9th क्लास के बाय की हैं, मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के बाय की हैं, ठीक है। मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बाय की हैं 6000 रुपए के, ठीक है। तमाम के तमाम फेक ओल्ड बुक्स के गेस्ट पेपर हैं, जैसे मैंने आपको प्रूफ दिखाया, मैंने आपको अभी प्रूफ दिखाया ना, पूरा पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया। आप कोई भी स्टूडेंट जिस मर्जी चैनल से मंगवाओ, अगर आप BCPM साइंस चैनल से मंगवाते हो, उनको पहले कहो कि हमें MCQs भी प्रोवाइड करें, हमें MCQs भी प्रोवाइड करें, और आपके गेस्ट पेपर में से क्या क्या आया बोर्ड में, हमें उसका भी प्रूफ दिखाएं। स्टूडेंट नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी। अब सारे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 पे आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए। सबसे पहली जो बच्चों आपके पास डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिफाइन वर्क एंड इट्स एस ए यूनिट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। यूनिट ऑफ वर्क बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। डिफाइन एनर्जी एंड इट्स एग्जांपल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। याद रखें लॉन्ग क्वेश्चन में, अब मैं बात करने लगा हूं लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों, एग्जांपल 6.1 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, याद रखें। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन आना है। याद रखें जितना ज्यादा आप थ्योरी करके जाएंगे उतने ज्यादा नंबर, जितनी कम आप थ्योरी करके जाएंगे उतने कम नंबर। बच्चे वही कामयाब होंगे जो दिल लगाकर पढ़ेंगे, बच्चे वही कामयाब होंगे जो रातों को जाकर पढ़ेंगे, बच्चे वही कामयाब होंगे जो दूसरों के व्हाट्सएप पे नजर नहीं रखेंगे, जो दूसरों के फेसबुक पे नजर नहीं रखेंगे, जो इधर उधर नजर नहीं रखेंगे, जो शादियां ब्याह पे कम जाएंगे, जो फंक्शंस कम अटेंड करेंगे, जो रातों को कम सोएंगे, उन स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और उन स्टूडेंट्स के बहुत गंदे मार्क्स आने वाले हैं जो अपनी क्लास में भी पढ़ते नहीं है, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते। तो लिहाजा आप उन स्टूडेंट से जरा थोड़ा सा पीछे हटें और अपने स्टडी की तरफ वापस आए। चैप्टर नंबर 6 में बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन आना है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आय हाय 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 लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में है। क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात, मैं आपको कह रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में है, आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात। लाइट एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। न्यूक्लियर एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में है। मैं खप डाल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, यही लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे। जब आपके एग्जाम्स होने हैं फिर आपने सर पकड़ के बैठ जाना कि शायद इधर उधर से कोई चीटिंग करने का मौका मिल जाए या कहीं से हम कोई बूटी अरेंजमेंट हो जाए। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सोलर हाउसिंग हीटिंग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में है। सोलर सेल्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, याद रख लें, याद कर लें, अपने माइंड में बैठा लें कि सर अकील ने मैथ की दुनिया वाले ने बताया था
कि सोलर हाउस हीटिंग और सोलर एनर्जी बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसमें है, लॉन्ग क्वेश्चन में। ये देख लें, अपनी प्यारी आंखों से देखें, अपनी खुली आंखों से देखें, अपनी मोटे ढेलों से देखें, जिससे मर्जी देखें, ग्लासेस लगाकर देखें, ग्लासेस उतार कर देखें, आंखें धोकर देखें, मुंह हाथ धोकर देखें। सोलर हाउसिंग हीटिंग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। विंड एनर्जी बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। विंड एनर्जी बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। बायोमास हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें और अगर हम आइंस्टाइन की बात ना करें, क्योंकि सारे फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर इनको कोई इक्वेशन नहीं आ रही होती, अगर इनको कोई फार्मूला नहीं आ रहा होता, तो वो आइंस्टाइन अपने आप को समझ लेते हैं और अपने आप से ही आइंस्टाइन में कोई फार्मूला आगाज करते हैं, जिससे आपके एग्जाम्स में बहुत गंदे नंबर आते हैं। याद रखें, मास एनर्जी इक्वेशन आपके पास ई इज इक्वल टू एम सी किसके लिए, किसकी इक्वेशन है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ये आपके अपने घर वालों की इक्वेशन नहीं है, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास। द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी की इक्वेशन क्या है, ई इज इक्वल टू एम सी की स्क्वायर। बैक शॉर्ट क्वेश्चन है 6.13, 6.14 हमारे पास एफिशिएंसी एंड इट्स फार्मूला हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी तरफ से कोई एफिशिएंसी नहीं लगानी, जो बुक में गिवन है वही आपने एफिशिएंसी तरीके से उसको अच्छे तरीके से याद करके जाना है और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आने। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइंड पावर एंड इट्स एसआई यूनिट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। डिफाइंड वाट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। समरी में बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आपके पास जो समरी इंपॉर्टेंट है, वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है गेस्ट पेपर से बच्चों आपको सारा कुछ मिलेगा, जिससे आप 525 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अपने घर गेस्ट पेपर मंगवाएं, चुप कर कहीं किसी जगह पर बैठे और पूरी पूरी रात पढ़े, पूरा पूरा दिन पढ़े, अपने दोस्तों को कम टाइम दें। शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास राइट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स, काइनेटिक मॉलिक्यूल, मोटर ऑफ मैटर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, शॉर्ट क्वेश्चन में है, शॉर्ट क्वेश्चन में है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 याद रखिए। आपने इसको सिर्फ शॉर्ट में करके जाना है मेरी प्यारी शहजादियों, सुन लो मेरी बात, मेरे प्यारे शहजादों सुन लो मेरी बात, कान खोल के सुन लो कि आपने चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में करके जाना है। चैप्टर नंबर 7 प्रैक्टिकल, चैप्टर नंबर 8 जो बहुत ज्यादा लाइक है सिर्फ वही करें, अदरवाइज आप मेरी तरह ना लाइक है। तो जस्ट बच्चों आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में 7, 8 और 9 करके जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों चैप्टर नंबर 2, 3, चैप्टर नंबर 6 और 4 करके जाना है। बस इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना। डेंसिटी की डेफिनेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। प्रेशर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। बैक शॉर्ट क्वेश्चन 7.10, बैक शॉर्ट क्वेश्चन 7.13, बैक शॉर्ट क्वेश्चन 7.14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। पास्कल लॉ की डेफिनेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। जो जो मैं आपको निशान लगा रहा हूँ, क्यों नहीं मेरे साथ निशान लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे? अगर मैंने देख लिया किसी की बुक में निशान नहीं लगे हुए, तो मैंने आप लोगों से ये बुक ही छीन ले लिया और आपकी ये बुक सेकंड हैंड फरोख्त कर देनी है। बुक्स ला हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। यंग मॉडल्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। चैप्टर नंबर 8 में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 9 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में से बच्चों 1 न्यूमेरिकल आना है, ठीक है? अगर आपने हमारे गेस्ट पेपर अभी तक ऑर्डर नहीं दिए तो फटाफट ऑर्डर दें, विद इन 2 डेज टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको आपके घर पहुंचा कर जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट्स की फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस्लामियात है, तर्जमतुल कुरान है, उर्दू, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स की बच्चों आपको पेनिंग स्कीम भी मिलेगी गेस्ट पेपर्स के साथ। हीट की डेफिनेशन बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। कंडक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। राइट द यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। रेडिएशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। ग्लोबल वार्मिंग बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसके अलावा बच्चों आप चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको हमारे गेस्ट पेपर से MCQs मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगी। इसके अलावा हर चैप्टर की बच्चों आपको पेनिंग स्कीम मिलेगी, जिससे आप इंशाल्लाह अल्लाह को कम से 60 out of 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं, 60 out of 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये रिजल्ट कार्ड भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोल नंबर भी आप हमारे बच्चों के अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितनी ज्यादा फर्स्ट टाइम आप मेहनत करोगे, उतने ज्यादा बच्चों आप नंबर गेन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी फिजिक्स में जितनी मैं जान लगा सकता था मैंने लगाई है। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।